8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। जिला डोडा के लिए ये एक अहम दिन है क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा हमारे कई हादसे होते रहते हैं। अभी रामबन में जो स्लाइड्स आए, फिर देन हमारे जो रेनफॉल होते हैं उसमें कई घरों को डैमेज हो जाता है, कई बार कई जाने जाती हैं, तो उन सब में इमीडिएट जो रिलीफ होता है वो हम रेड क्रॉस से दे पाते हैं। फिर हमारे जो गरीब या गांव के दूर के लोग होते हैं जिनको उतनी आमदनी नहीं होती है, जो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, आज तो PMJY स्कीम है तो उसके अंदर बहुत कुछ फैसिलिटीज मिल रही हैं, फिर भी अगर कोई एम्बुलेंस के चार्जेस या कुछ दवाइयों के चार्जेस अगर कोई नहीं अफोर्ड कर पाते तो हम उनकी मदद करते हैं रेड क्रॉस से। तो मुझे लगता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और आने वाले समय में रेड क्रॉस सोसाइटी एक अलग इनिशिएटिव लेने जा रही है। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है GMC में, आज ही हमने एक निर्णय लिया है कि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक रेड क्रॉस हेल्प डेस्क एस्टेब्लिश करेंगे। इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचते हैं और फिर वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं खाना पीना या फिर दवाइयां मेडिसिन जो हॉस्पिटल में अवेलेबल ना हो, तो उसके लिए हम रेड क्रॉस से उनकी मदद करेंगे। जितना ब्लड हमें रिक्वायर्ड होता है उससे ज्यादा हमारे पास स्टोरेज होता है, और क्योंकि हमारा ब्लड बैंक अभी रिसेंटली एस्टेब्लिश हुआ है।